दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको BOQ फाइल के बारे में बताने वाला हूँ कि BOQ फाइल किस तरह से बनाते हैं ई टेंडर पब्लिश करने के लिए। तो BOQ फाइल कई बार लोग बनाते हुए छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, जिसके कारण लास्ट में जब BOQ हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पे वो वेरीफाई नहीं होती, कंपाइल नहीं होती, कंपाइल एरर दिखाते हैं। तो आज उसी के बारे में मैं बताता हूँ पूरे इंडिया की, सॉरी। तो इसमें जहाँ भी सभी डिपार्टमेंटों के या प्राइवेट सेक्टर के सभी टेंडर जो इसी साइट पे मिलते हैं, ये NIC पे बनी हुई है, etender.haryana। ये हरियाणा के लिए मैं खोल रहा हूँ। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे etender Rajasthan जो भी है वो वहाँ पे अपनी आपकी साइट का जो लिंक है दिखा देगा। तो ई प्रक्योरमेंट सिस्टम से हम साइट पर लॉगिन करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी नंबर 8 पे जो है बहुत सारी यहाँ पे BOQ फाइल बनी हुई है। तो हम कोई भी एक BOQ फाइल उठा लेते हैं, मतलब जैसे कि हम ये आइटम वाइज उठा लेते हैं, एक डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने ये एक BOQ फाइल डाउनलोड कर ली है। तो इसको आप जब ओपन करोगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा एडिटिंग करने के लिए। ये कुछ इस तरह से इसमें आइटम वाइज दिए हुए हैं। अब आपको अपने टेंडर डालना है और अपने हिसाब से अपने टेंडर के अकॉर्डिंग आपने इसमें कुछ एडिटिंग करनी है। तो वो किस तरह से करते हैं, इसमें आपने सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इसको अनप्रोटेक्ट करना है। रिव्यू पर जाके क्लिक करोगे, अनप्रोटेक्ट का बटन है। इसका जो पासवर्ड है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है टेस्टिंग, छोटे में छोटे वर्डों में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड टेस्टिंग है इसका। तो ये हमारी अनप्रोटेक्ट हो गई है। कुछ चीज़ याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि इसमें हमें किसी भी कॉलम को डिलीट नहीं करना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स हमें इसमें ऐड करना है, इस बात को याद रखना है। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि आप अगर इसमें रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट कॉलम्स को आप डिलीट भी नहीं कर सकते और ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉलम आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपने किसी कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको हाइड कर सकते हो, सेलेक्ट कर कर हाइड कर सकते हो आप उसको। तो उसके बाद आता है इसमें आपने आइटम बनानी है और आइटम आपने इसमें ऐड करना है। देखो अगर आपने डिलीट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिर्फ 4 लाइनें डिलीट कर दी इसमें से। आपके पास 4 आइटम है, 5 आइटम है, 6 आइटम है, जितने भी है इसमें आपको मैं लाइन दिखाता हूँ। इसमें इसमें टोटल लाइन 16 है, काउंट हो रही है, जिसमें 2 जो है ये हेडिंग लाइन है। तो आप इसमें 16 आइटम यानी 2 को निकाल के 17 है, सॉरी 2 को निकाल के आप 15 आइटम्स इसमें अपलोड कर सकते हो, टेंडर अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 15 से ज़्यादा करनी है या कम करनी है, अगर आपने कम करनी है तो आपने कुछ नहीं करना, बेसिकली बस जाना है रो को सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है बस, और अपने यहाँ पे आइटमों के नाम लिख देने हैं जो भी आपका आइटम है। अगर आपको 16 से ज़्यादा इसमें ऐड करने हो जाते हैं तो आपको रो इसमें इंसर्ट करनी होगी। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रो इंसर्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सीधा डाल देते हैं अपने जो भी आइटम वगैरह, लेकिन ये कंपाइल नहीं होती, उसमें एरर दिखाते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले को 7 नंबर डाल दिया, नीचे वाले को 8 नंबर डाल दिया, और इसमें हमने कुछ भी जो है डाल दिया, जो भी हमारा आइटम है हमने इसमें लिख दिया। उसके बाद में इसको हमने इसी तरह छोड़ देंगे, तो अगर हम इसको कंपाइल करेंगे ये कंपाइल नहीं होगी, ठीक है, इसमें एरर दिखा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक रो को कॉपी करना है, पूरी रो को कॉपी करके और इस रो में पेस्ट करना है आपने। अब आप इसको कंपाइल करोगे, अब इसमें आपकी ये जो आइटम डिस्क्रिप्शन है सेम हो चुकी है, इसको आप चेंज कर लोगे यहाँ पे। अभी भी ये कंपाइल नहीं होगी, यहीं पे एक छोटी सी गलती होती है कि हमने वो कॉपी की हुई है, इसलिए इसकी जो आइटम कोड है यहाँ पे एक बी के बाद एक सी कॉलम है जिसमें आइटम कोड लिखा होता है, इसको हम अनहाइड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये सी कोड है,
जो हमने कॉपी करी थी ऊपर वाली लाइन वो सेम कोड इसके अंदर आ जाता है, तो हमें इसका आइटम कोड चेंज कर लेना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सारे चेंज कर देते हैं, जरूरी नहीं है जो इसमें लिखे हैं वही रखें, हम सारे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमने सारे कर दिए और उसके बाद हम इसको हाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे, ये आराम से कंपाइल हो जाएगी इसमें। अभी ये दिखा रहे हैं सीरियल नंबर, दे सीरियल नंबर हमने चेंज नहीं किया था, यहाँ पे ये इसने दिखा दिया क्योंकि हमने कॉपी किया था वो सेम सीरियल नंबर दिखा रहा था। यहाँ पर हम सीरियल नंबर को भी चेंज कर देंगे। अब वैलिडेट करेंगे, ये नेक्स्ट करेंगे और ये आप इसमें लिखा हो देखो बी ओ क्यू वैलिडेशन आर कंपाइल्ड। तो अब ये ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई भी पासवर्ड डालकर आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो प्रोटेक्ट करने के बाद इसको आप सेव कर दोगे और सेव करने के बाद आप इसको अपलोड करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें ये एक छोटी सी बात याद रखनी है, कॉलम को डिलीट नहीं करना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है। रो इंसर्ट करते वक्त आप डिलीट करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, अगर रो आप डिलीट करोगे तो आपने ये डिलीट कर दी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रो इंसर्ट करने पर ही आपको दिक्कत आएगी। वो दिक्कत यही आएगी कि अगर आप रो को कॉपी करते हो तो उसके जो कंटेंट्स हैं वो सेम हो जाते हैं, आइटम कोड सेम हो जाएगा, सीरियल नंबर सेम हो जाएगा। तो इन तीन चीज़ों को आपने चेंज करना है, इंसर्ट करना है, एक रो इंसर्ट करोगे, रो इंसर्ट करोगे, किसी रो को कॉपी करोगे और उस रो में इंसर्ट की हुई रो में पेस्ट कर दोगे। उसके बाद ही इसमें तीन चीज़ आपने चेंज करनी है, सीरियल नंबर को, डिस्क्रिप्शन को और यहाँ पर आइटम कोड जो कि कॉलम नंबर सी के अंदर होता है। जैसे ये चीज़ें ध्यान रखनी, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। धन्यवाद।